जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लिरिक लकार क्या है और लिरिक लकार में जो भी अनुवाद करने के लिए वाक्य दिया होगा हम संस्कृत में कैसे उसे अनुवाद करेंगे। इससे पहले मेरा वीडियो जो अपलोड हुआ था वो जो था संस्कृत व्याकरण में, यानी लकार, लकार किसे कहते हैं और लकार के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से क्लिक कीजिए और वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, लकार में जो आज हम पढ़ रहे हैं लिरिक लकार, लिरिक लकार के संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक आप बने रहें। लिरिक लकार में जो भी वाक्य होगा आप बहुत आसानी तरीके से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीख जाएंगे। तो इसका हम डिफिनेशन देखते हैं लिरिक लकार का। लिरिक लकार क्या है, यानी कि जिस वाक्य से आने वाले समय का बोध हो उसे हम लिरिक लकार कहते हैं, यानी लिरिक लकार को हम हिंदी में भविष्यत काल भी कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ेगा, दूसरा है एग्जाम्पल तुम भात खाओगे। चलिए, ये तो आपका हो गया लिरिक लकार का डिफिनेशन। इसके बाद वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ वाक्य पहचानने का नियम। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहे उससे वाक्य, यानी उस वाक्य को हम लोग लिरिक लकार कहते हैं। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे इत्यादि अगर लगा हुआ रहता है उस वाक्य को हम क्या कहेंगे, लिरिक लकार के वाक्य कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए, वे लोग पटना जाएंगे, यानी कि इसके लास्ट में यानी क्या लगा, गे। उसके बाद वह खेलेगा, वह खेलेगा, लास्ट में क्या लगा, गा। तो हम अच्छे तरीके से समझ गए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा हुआ रहता है उस वाक्य को हम लोग लिरिक लकार के वाक्य समझेंगे। चलिए, उसके बाद अनुवाद का नियम, ये अनुवाद किस प्रकार से करें। हिंदी में जो आपका वाक्य दिया हुआ है वे लोग पटना जाएंगे, वह खेलेगा, इसको हम संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद के नियम में आपको ये डायग्राम पहले आपको याद होना चाहिए, तभी जा करके आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, पुरुष, इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया गया था कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष क्या है। उसके बाद वचन, एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन, उस सभी का वीडियो बन चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, एक वचन और प्रथम पुरुष में आपका दिया हुआ है स, स का मतलब होता है वह, स का मतलब क्या होता है वह, यानी कि वह है, जैसे लिखा हुआ वह खेलेगा, तो यहाँ पे वह को संस्कृत में हम स लिखेंगे, लेकिन वह खेलेगी तो हम यहाँ पे साह लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता, साह होता, क्योंकि स्त्री जाति के लिए साह का प्रयोग करते हैं संस्कृत में और पुरुष जाति के लिए स का प्रयोग करते हैं। एक वचन प्रथम पुरुष में स, इसके क्रिया के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, स्यति लगाएंगे। उसी प्रकार से द्विवचन में तो, और तो का हिंदी होता है वे दोनों, और इसके क्रिया के अंत में हम क्या लगाएंगे, स्यत। उसके बाद बहुवचन में ते होता है और ते का हिंदी मतलब होता है वे लोग, और उसके हम क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे, स्यन्ति। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पहले याद रखिएगा, स, तो, ते, त्वम, युयाम, युयम, उसके बाद अहम, आवाम, वयम, ये सभी का इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया गया था कि त्वम का मतलब क्या होता है, अहम का मतलब क्या होता है, आवाम का मतलब क्या होता है, और इसके नीचे जो लिखा हुआ वो क्रिया के अंत में संस्कृत वाक्य में जब हम बनाते हैं हिंदी वाक्य को तो उसमें लगाने के लिए होता है। चलिए, पहला नंबर आप देखिए प्रश्न, यहाँ से ही देख लीजिए, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, ये आपका हिंदी वाक्य है, इसे संस्कृत में किस प्रकार से अनुवाद कीजिएगा, तो बहुत ही आसान है। आप खाली इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से शुरू से लास्ट तक बने रहिए। देखिए, वह, तो वह को क्या कहते हैं संस्कृत में, स कहते हैं, तो हम स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेगा, तो पढ़ना का क्या होता है, प और ढ पढ़, यानी कि हिंदी शब्द का संस्कृत में भी मतलब होता है, यानी कि पढ़ के क्या, पढ़ेगा, यानी कि पढ़ना के क्या होगा, पढ़। अब देखिए, इसके क्रिया के अंत में क्या लगेगा, स्यति लगेगा, क्या लगेगा, स्यति, क्यों लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो हम सब्जेक्ट यानी कर्ता में जो हम प्रयोग किए हैं एक वचन प्रथम पुरुष स, यानी कि इस डायग्राम, पूरे डायग्राम में से हम यहाँ से प्रयोग किए हैं, यानी एक वचन प्रथम पुरुष से, तो क्रिया के अंत का जो हम, क्रिया के अंत में जो लगेगा इसको हम इसी डायग्राम में से लेंगे, तो क्या होगा, स्यति, तो स आती। अब हम पूरा वाक्य को पढ़ के देखते हैं, स, दो बिंदु छोड़ गया था, देख लीजिए, स
पढ़िष्यति, यानी कि हिंदी में बोलेंगे वह पढ़ेगा और संस्कृत में क्या बोलेंगे स पढ़िष्यति। चलिए अब दूसरा नंबर वाक्य को देखिए। दूसरा नंबर है तुम भात खाओगे, तो देखिए तुम भात खाओगे खाओगे। चलिए ये आपका हिंदी वाक हुआ। अब इसे हम संस्कृत में किस प्रकार से पढ़ाएंगे, तो तुम के क्या होता है त्वम होता है, यहाँ लिख लीजिए तो त्वम त्वम लिख दिए। भात को हम लोग संस्कृत में ओदनम कहते हैं, ओ द न, भात को संस्कृत में क्या कहते हैं ओदनम। अब खाना को क्या कहते हैं खाद, खाना को संस्कृत में खाद कहते हैं और ये क्रिया है। तो कहाँ से लिए थे हम लोग एक वचन प्रथम पुरुष में से त्वम लिए थे, तो यहीं से क्या लगेगा क्रिया के अंत में जो लिखा हुआ है वाक उसको लिखेंगे, जो शब्द लिखा हुआ तो क्या है स्यसि, तो क्या होगा खाद स्यसि, खाद स्यसि, यह आपका बन गया। तो पूरा वाक्य क्या हो गया त्वम ओदनम खाद स्यसि। इस प्रकार से आप हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं जो लिडिट लकार में वाक्य दिए हुए होगा। चलिए दो और क्वेश्चन है, इसे भी हम अनुवाद करके देखते हैं। चलिए देखिए इसको हम तीसरा मान लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा में क्या है वे लोग पटना जाएंगे, वे लोग पटना जाएंगे जाएंगे। अब देखिए वे लोग को क्या कहते हैं ते कहते हैं, यानी कि बहुवचन प्रथम पुरुष वे लोग को क्या कहते हैं ते, यहाँ पे ते लिख देंगे, यानी कि इतना लिखा हुआ हिंदी में वे लोग और संस्कृत में मात्र क्या लिखना है ते। पटना के पाटलिपुत्रम लिखते हैं, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रम। जाना को हम लोग संस्कृत में गज कहते हैं गज, और ते के यानी कि ते जो लिए हैं बहुवचन प्रथम पुरुष में से इसके क्रिया के अंत में क्या लगेगा स्यन्ति, तो क्या होगा स्यन्ति, तो क्या होगा पूरा वाक्य बना बन जाएगा तो गज स्यन्ति। अब देखिए वे लोग पटना जाएंगे ये हिंदी में हम बोले और संस्कृत में क्या होगा ते पाटलिपुत्रम गज स्यन्ति, यहाँ पे आधार न की मात्रा होगा गज स्यन्ति। चलिए ठीक है उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, इसको हम चौथा नंबर देंगे, तो क्या होगा वह है खेलेगा खेलेगा। तो देखिए स जानते हैं क्या होगा स खेलना के क्रीड होता है, खेलना के संस्कृत में क्रीड होता है। अब देखिए यहाँ से लिए हैं एक वचन प्रथम पुरुष से, तो क्या होगा स्यति, तो क्या होगा क्रीड स्यति, ये आपका वाक्य बन गया है कि नहीं। हिंदी वाक्य से संस्कृत अनुवाद करना बहुत ही आसान है, ठीक है आप अच्छे तरीके से हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि चौथा नंबर प्रकार विधि, इसके बाद क्या लोट लकार हम उसे पढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे चौथा नंबर लोट लकार। लोट लकार की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि लोट लकार किसे कहते हैं। देखिए जिससे आज्ञा आदेश और अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे हम लोट लकार कहते हैं, यानी कि वैसा वाक्य होगा जिससे लगेगा कि कोई हमें आदेश दे रहा है या हमें लगेगा कि कोई आज्ञा दे रहा है उसके बाद अनुरोध कर रहा है, इस प्रकार के अगर भाव प्रकट हो रहा है उस वाक्य से तो हम समझ जाएंगे कि लोट लकार का वाक्य है। तो लोट लकार में देख लें डिफ्रेशन कि जिससे आज्ञा आदेश और अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं हम लोग लोट लकार कहते हैं। जैसे कि देखिए वह घर जाए, यानी कि कोई हमसे पूछ रहा है कि क्या वह घर जा सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल हाँ वह घर जा सकते हैं या जाए। उसके बाद तुम विद्यालय जाओ, यानी कि आदेश दे रहे कि तुम विद्यालय जाओ। अब हम इस वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो वाक्य पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ओ ए ओ इत्यादि लगा रहे तो लोट लकार का वाक्य कहेंगे, यानी कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा ओ ए ओ इत्यादि लगा रहे तो लोट लकार का वाक्य कहेंगे या फिर हम उसको समझेंगे कि लोट लकार का वाक्य है। अनुवाद कर इससे पहले देख लीजिए, जैसे मैं राधा खाओ उसके बाद खुशी भात खाओ, इस प्रकार से आपका वाक्य रहेगा।
उसके बाद क्या है अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम इससे पहले बता दिए आपका, लेकिन इसमें लोट लकार में तो क्रिया के अंत में जो लगेगा वो अलग होगा, लेकिन सह त ते ये सभी लकार के लिए हम पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि सह त ते यानी कि समझ लीजिए कि यह एक सहायता करने वाला लकार है, इसे हम सहायक लकार के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि यह सहायता करता हर एक लकार में प्रयोग होता है। चलिए देखिए तू ताम अंतु ही या फिर और इसको यानी कि ही का मात्रा लास्ट में हम क्रिया के अंत में जोड़ सकते हैं या तो फिर अ के मात्रा। उसके बाद तम त आनी आव आम आनी आव अम इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा तु ताम अंतु ही तम त आनी आव अम इस प्रकार से आपका क्रिया के अंत में चलने के लिए हलंत लगेगा जो याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम इसको अब अनुवाद करते हैं, ये वाक्य जो होगा हिंदी का उसको अनुवाद किस प्रकार से इसमें करते हैं। देखिए वह घर जाए, वह घर जाए जाए ठीक है वह घर जाए। तो देखिए ये आपका हिंदी वाक्य हो गया, अब इसे हम अनुवाद करेंगे संस्कृत में। वह को क्या होगा जी संस्कृत में सह लिखेंगे, घर को हम लोग गृह कहते हैं, गृह गृह मतलब घर, संस्कृत में हलंत लगा देंगे गृहम। जाना को अभी हम बताते ग अच और उसके बाद छ गज, गज मतलब क्या होता है जाना। वह घर जा यानी कि देखिए यहाँ से एक वचन प्रथम पुरुष से लिए तो क्या हलंत लगेगा यानी क्रिया के अंत में तू लगेगा, क्या होगा तू, तो क्या होगा गज तू। आपका संस्कृत वाक कंप्लीट रूप से बन गया यानी पूरा हो गया। वह घर जाए और इसको संस्कृत में बोलेंगे स गृहम गच्छतु। चलिए दूसरा नंबर आपका क्या है वाक्य तुम विद्यालय जाओ, तुम विद्यालय जाओ। देखिए तुम विद्यालय जाओ तो तुम के क्या होगा त्वम होगा, विद्यालय के आप विद्यालय में लिख सकते हैं या तो फिर पाठशाला लिख सकते हैं, तो पाठशाला ही लिख देते हैं पाठ शाला पाठशाला। जाना के क्या होता है गज, गज लिख दिए। अब तुम विद्यालय जाओ हम ये बता रहे हैं कि गज तो यहाँ पे लगा, तो ऐसा नहीं कि इसमें भी गज तो आप लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट यानी कि वाक्य के सब्जेक्ट यानी कर्ता को देख लीजिएगा तो कर्ता में क्या है त्वम, तो एक वचन और मध्यम पुरुष में आपका त्वम यानी कि तुम का आ रहा है वाक्य में कर्ता ठीक है, तो हम यहाँ से हलंत लगाएंगे, क्या लगाएंगे ही का मात्रा लगाएंगे, तो क्या होगा गज ही, त्वम पाठशाला गज ही। इस प्रकार से बहुत से हिंदी के वाक्य हैं जो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए होगा लोट लकार में। हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको लिडिट लकार और लोट लकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद।